सुबह की जल्दीबाजी में अगर आपको भी ये समझ नहीं आता कि जल्दी से सुबह ऐसा क्या बनाएं जो बच्चों से बड़ों तक सभी को पसंद आए और बहुत ही कम टाइम में आसानी से बन सके, तो आज की ये नाश्ते की रेसिपी सिर्फ आपके लिए है, जो बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसानी से बन जाती है और बच्चों से बड़ों तक सबको बहुत पसंद आती है और टेस्ट में भी इतनी लाजवाब होती है कि बच्चे इसे बहुत चाव से खाते हैं। इस सुपर हेल्दी नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये फ्रेश ब्रेड्स लिए हैं। इनके कॉर्नर्स को कट करके मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। यहाँ पर आप ब्राउन ब्रेड का यूज़ कर सकते हो या फिर घर की बनी हुई रोटी का भी यूज़ कर सकते हो इस नाश्ते को बनाने में। बनाने का तरीका सेम रहेगा। इस सुपर हेल्दी नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कटी हुई प्याज ली है, थोड़ा सा धनिया पत्ती, टमाटर और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है। तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से हमारे घरों में मिल जाती हैं। अब मैंने एक बाउल में कटी हुई शिमला मिर्च को, टमाटर को और प्याज को एक साथ डाल दिया है। अब इसमें दो बारीक कटी हुई जाएंगी हरी मिर्च, दो चम्मच करीब इसमें जाएगा बेसन। अब इसमें डाल देंगे लास्ट में धनिया पत्ती। अब हम इसमें ज़रूरी मसाले ऐड कर रहे हैं, तो एक चम्मच मैंने चाट मसाला, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा मैंने इसमें ऑरेगानो डाला है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। नमक आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें हम पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मसाले हमने इसमें यूज़ किए हैं, सब्जियाँ यूज़ की हैं, तो वो भी पानी रिलीज़ करती हैं, तो इसलिए इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मैंने डाल दिए हैं ये ब्रेड के पीसेस, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिना पानी डाले। लेकिन अगर ब्रेड बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो आप थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर पानी यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। अब हमने एक पैन में एक चम्मच के करीब घी लिया है, इसको अच्छे से मेल्ट करके ग्रीस कर लेंगे। अब जो हमने ये मिक्सचर तैयार किया था सब्जियों का और ब्रेड का, ये सारा इसमें डाल देंगे और इसे बिल्कुल गोल सर्कल में ऐसे हम इसको स्प्रेड कर देंगे। इसे अच्छे से स्प्रेड करने के बाद इसे हम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। 2 मिनट बाद हम इसका लीड हटाएंगे और एक प्लेट इसके ऊपर रखेंगे और इसे पलट देंगे और इसे वापस पैन में डाल देंगे। और इसके ऊपर से अब मैं एक चीज़ क्यूब ग्रेट कर रही हूँ, इसलिए ताकि इसका टेस्ट ना बच्चों को भी बहुत पसंद आए और बड़ों को भी बहुत पसंद आए। 2 मिनट के लिए हमने यहाँ चीज़ को मेल्ट होने दिया है और इसे प्लेट में निकाल लिया है। ये सुपर हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट सभी को बहुत पसंद आता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, यह आपको भी बहुत पसंद आएगा और बच्चे भी इसे खाना पसंद करते हैं, क्योंकि हमने जो इसके ऊपर चीज़ ग्रेट किया है उसकी वजह से ये बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है। तो दोस्तों, आपको आज के ब्रेकफास्ट की रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाय बाय।